दोस्तों आपका स्वागत है आल एजुकेशन में। यहाँ पे डेली जॉब डेट एडमिट कार्ड डिजिटल चेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है, इसलिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, सबसे पहले आप तक तो नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। इस वीडियो में आपने को बताएंगे कि जो आपका 7/2/2020 आज का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है सिकंदराबाद, एक मेरे दोस्त हैं जिनका नाम है अजीत चौहान, उनका सिलेक्शन हुआ है, वो गए थे, उनका सिलेक्शन हो चुका है। आज पूरा हमको बात हुआ है फ़ोन पे, उन्होंने पूरा हमें डिटेल बताया कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कब ज्वाइनिंग होगा, कैसे कैसे, पूरा फुल डिटेल हम आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि डॉक्यूमेंट के समय क्या क्या लग रहा है, आपका ज्वाइनिंग कब होगा, सैलरी कितना होगा, क्या क्या छुट्टी आपको कब मिलेगी। तो इसी वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें क्या मेडिकल भी लेकर जाना है कि नहीं जाना है, पूरा इसी में हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको हाई स्कूल जो आपका 10th का मार्कशीट है उसको लेकर जाना है, आपको वहाँ पर 10th का मार्कशीट और उसके साथ आपको ITI का जो आपका मार्कशीट है ITI का उसको लेकर जाना है, ये सब ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। और इसके बाद से आपको आधार कार्ड है तो ले सकते हैं, अगर आप है तो कंपलसरी नहीं है ले सकते हैं आधार कार्ड। उसके बाद से आपका थर्ड पॉइंट जो बहुत ही लड़कों का कंफ्यूजन है, तो बहुत हमारे पास से कमेंट भी आए, व्हाट्सअप भी आए कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए हम सबसे पहले आपको जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम बता दें कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको कौन सा लेकर जाना है। बहुत लोग कह रहे हैं स्टेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका कोई मान्य है नहीं वहाँ पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास जो इस नोटिफिकेशन में अभी हम आपको दिखाएंगे ये, तो ये बनवाइए, और नहीं तो जो आपका सेंट्रल जो आपका केंद्र का आता है केंद्र का उसको आपको बनवा कर लेकर जाना है, या तो इसमें जो नोटिफिकेशन में दिया गया उसको प्रिंट करा कर लेकर जाना है। और एक और बात कि आपका मेडिकल अभी आपका हो नहीं रहा है वहाँ पे, आपको मेडिकल फॉर्मेट नहीं लेकर जाना है, मेडिकल आपका ज्वाइनिंग के समय होगा या होने वाला भी नहीं, जी उन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग के समय होगा या होगा भी नहीं। और एक और बात बता दें हम उसमें कि आपको वहाँ पे 300-400 जो भी सीट हो आ रहा है उसमें से हर सीट में से वहाँ पे 50 या 60 लड़के अब्सेंट हो जा रहे हैं, तो अगर आप लोग चले जाते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% होने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि बहुत ही लड़के अब्सेंट हो जा रहे हैं। तो बहुत ही सीट अगर आपके पास, ये जो हम अभी आपको फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं, सबसे पहले देखिए अगर आपके पास सेंट्रल का जो केंद्र का होता है सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास वो नहीं है तब आपको ये बनवाना पड़ता है। अगर आप STSC से आते हैं तो ये बनवाना पड़ेगा, और इसके नीचे आने के बाद से अगर आप OBC के हैं तो आपको ये इसी पे आपको प्रिंट वगैरह करा के DM का सिग्नेचर को जो भी इसमें दिया गया है आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट को, यहाँ पे आप इसको बनवा के आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या तो ये लेकर जाइए जो आपको ये दिया गया है OBC के लिए ये, और STSC के लिए आपको ये लेकर जाना है। अगर इसके पास नहीं आपके पास केंद्र का है तब ये लेकर जाना है, अगर आपके पास केंद्र का है तो इसका कोई मान्य नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई नहीं लेकर जाते हैं, ना ही आप केंद्र का लेकर जाते हैं और ना ही आप ये फॉर्मेट लेकर जाते हैं, तो आप दोनों नहीं लेकर जाएंगे, अगर आप OBC से आते होंगे या STSC से आते होंगे तो आपका ये सिलेक्शन उस कैटेगरी में नहीं होगा, आपका सिलेक्शन UR जो कि जनरल में आपको करा दिया जाएगा। जनरल में जाने के बाद आपको फिर से एक कट ऑफ बनेगा, जब सबका जो वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद से आपको वहाँ पर एक और कट ऑफ तैयार की जाएगी, उसमें आपको सिलेक्शन फिर लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो सिलेक्शन होगा, तो आप जनरल की कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगे अगर आप दोनों में से कोई नहीं लेकर जाते हैं तो आप एक जाइएगा जरूर, सिलेक्शन होने का पूरा चांस। और सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको सबका एक फोटो कॉपी करा लेना है, और अपने वहाँ पे आपको फोटो भी अपना भी लेकर जाना है, और जो आपके पास जो कॉल लेटर आया था उसका प्रिंट निकलवा के ले जाना हो आपको वहाँ पे प्रिंट जमा करना होगा। तो आप सभी भी डॉक्यूमेंट्स का 1, 2, 3 फोटो कॉपी करा के रखिएगा, और जितने भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल इंटर है जो हाई स्कूल है और ITI का वहाँ पर आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कहीं आपका छूट ना जाए, इसलिए आप लोग पहले ही ध्यान में रख के आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख ले साइड में, सबका फोटो कॉपी भी करा के रख लीजिएगा। सही हम बता रहे हैं। और जो आपका मेडिकल का फॉर्मेट, मेडिकल का जो आपकी बात है, मेडिकल आपका होगा ज्वाइनिंग के समय ही, जो हम आपको अभी बताए हैं ज्वाइनिंग के समय ही मेडिकल होगा। जो आपका ज्वाइनिंग है उन्होंने बताया कि मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। जो आपका सैलरी की बात है तो उन्होंने पुराने लड़कों से पूछ कर वहाँ पर बताया जो कि वहाँ के अभी कर रहे हैं पिछले साल से ट्रेनिंग, उन्होंने बताया कि आपको वहाँ पे 9,000 के करीब सैलरी दी जा रही है पर मंथ, आपको 9,000 की सैलरी, और शायद सैटरडे और संडे उन्होंने बताया कि छुट्टी भी आपको वहाँ पे मिलती है, संडे तो कंफर्म है कि छुट्टी वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बढ़िया है आपके लिए, वहाँ पर रहने होने के लिए व्यवस्था भी सब सही है।
तो अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जाइए वहाँ पे। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर से एक लिस्ट तैयार होगी, उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे वहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।